इस बारिश के मौसम में हमारा रोज कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन हो ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सबके लिए मैं एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी प्याज की पकौड़ी कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद आधी चम्मच अजवाइन, इसको हाथों में क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद नमक आधी चम्मच, और इसके बाद 1.5 चम्मच मैंने यहाँ ऑयल लिया है। तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और हाथों में दबा के देख लेंगे। तो अगर हाथों में हमारा मैदा ऐसे मतलब डो के फॉर्म में आता है, तो समझ लीजिए कि हमारा एकदम परफेक्ट मिश्रण बन के रेडी हो गया है। अब इसको पानी की सहायता से इसका एक टाइट डो लगा के रेडी कर लेंगे। ना ज़्यादा डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, पर हाँ थोड़ा बहुत टाइट होना चाहिए डो। इस तरह इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक टाइट डो लगा के रेडी कर लेंगे, जिससे हमारी जो कचौड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बने और लंबे देर तक सौगी ना पड़े। तो इसलिए आप इसका टाइट डो ही लगाइएगा। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ अलग और अच्छा खाने का मन हो तभी बना सकते हैं। ये देखिए जो मेरा डो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे ढक के, तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसी में मैंने आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ और आधी से भी आधी चम्मच मैंने यहाँ हींग डाले हैं। हींग का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है, प्लीज़ इसकी मत करिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको सावधानी मतलब सहायता हो आप वैसे कर सकते हैं। इसके बाद प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। हमको प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस 1 मिनट तक ही पकाना है, जब तक हमारी प्याज थोड़ा सा कच्चापन नहीं चल जाता और प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, हमको बस तभी तक इसको पकाना है। ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि प्याज का जो मतलब कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा क्योंकि मैदे में ऑलरेडी हमने नमक डाला है। आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर नहीं जाएगा, और आपको और कोई भी मसाले इसमें ऐड करना हो तो वो डाल सकते हैं, बट भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें नहीं जाएगा, उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। सभी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ मैंने इतनी प्याज के लिए यहाँ मैंने 1.5 चम्मच बेसन लिया है। अगर आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो आप 2 चम्मच बेसन लीजिएगा। आप प्याज की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा बेसन लीजिएगा, वरना जो आपकी कचौड़ियाँ हैं ना उसमें बेसन बेसन का ही टेस्ट आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप प्याज के अकॉर्डिंग ही बेसन लीजिएगा। बस 1 से 1.5 मिनट तक हमको अच्छे से लो मीडियम फ्लेम में ही इसको मतलब फ्राई करना है। फ्राई करना नहीं मतलब इसको भूनना है, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से भुन जाए और कच्चा कच्चा ना लगे। इसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर देंगे। ये हमारी पूरी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। अब आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये देख सकते हैं कि आप पूरी बेसन और प्याज खिला खिला है, मतलब इसमें कोई भी वो पानी नहीं है। इसके बाद यहाँ हम अपना मैदा देख लेंगे। तो मैदा को फिर से हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे, ताकि इसमें जो ऊपर से ड्राइनेस हो तो अच्छे से चली जाए। एक बार इसको मसलने के बाद यहाँ मैंने देखिए एक पेड़ा बना लिया है। तो लोई आप कितनी बड़ी और कितनी छोटी कचौड़ियाँ बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे बाजार में मिल रहे हैं, तो उस तरह अगर आपको बनाना है तो आपको लोई थोड़ा सा बड़ी लेनी होगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद हम अपने स्टफिंग इसमें अच्छे से रख देंगे। तो स्टफिंग उतनी ही रखिएगा जिस अकॉर्डिंग आप आटा लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग स्टफिंग रखिएगा। और जैसे आलू का पराठा कोई भी भरवा चीज़ फोल्ड करते हैं, तो नीचे को एक अंगूठे से अच्छे से प्रेस करते जाइएगा और ऊपर के ऊपर एक तरफ से मैदा इसको उठाते जाइएगा। और ये देखिए जो हमारा पेड़ा है परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। अब इसको एकदम सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, वरना जो हमारा कचौड़ी है वो फटने लगेगी। तो इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा ही बेलेंगे। अगर ये कुछ लगे कि आपके खुलने लगे हैं तो आप इनको अच्छे से सील कर दीजिएगा दोबारा,
इसके बाद वैसे खुलेंगे नहीं, आप इनको सील कर सकते हैं। इसी तरह देखिए मैंने दूसरी रोटी भी पहले 15 पूरी बेल ली हूँ, उसमें भी हम अपने स्टफिंग रखेंगे और उसको भी इसी तरह एक अंगूठे से स्टफिंग को अंदर और दूसरे वाले हैंड से ये इसको मतलब मैं देखो बाहर की ओर लेंगे और इस तरह इसको ये प्रेस कर देंगे और बस इसके बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट भी कर सकते हैं, बट मैंने कट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था इसलिए मैंने कट नहीं किया है। और बस इसी तरह हम अपनी जो दूसरी हमारी कचौड़ी है उसको भी बेल के हम रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे तो सूखा मैदा डस्ट कर लीजिए अगर आपको लगे। इसके बाद दूसरी कचौड़ी भी हम इसी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से थोड़ी थोड़ी बेल के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बस थोड़ा सा बिल्कुल बेल के रेडी कर लेंगे। यकीन मानिए जो आपको दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा फटी है वो आपके ऑयल में बिल्कुल भी जाके फटेंगी नहीं, आपको वीडियो में साफ दिखाई देगा। इसके बाद क्या है, हमने सारी कचौड़ी जो हमारी है उनको बना के हमने रेडी कर लिया है। यहाँ मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें हम अपनी कचौड़ी रखेंगे। और कचौड़ी बहुत देर तक क्रिस्पी और कुरकुरी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस का काम इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम में ही इनको मतलब तलिएगा। जब भी आप बनाइएगा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टाइमली काम है थोड़ा सा। आप बिल्कुल लो फ्लेम में ही आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। यहाँ मैंने 2 कचौड़ी ही पहले डाली है, आप अगर चाहें तो और भी कचौड़ी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 ही डाली है और बिल्कुल लो फ्लेम में। और ये देखिए हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो फूल के ऊपर आ गई हैं। ऊपर से हम इनके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो ऊपर से भी जल्दी से कुक होती जाएँ, जल्दी से फ्राई होती जाए। इसको भी अच्छे से हम इसको पलट देंगे, बहुत ही केयरफुली हाथों से पकड़ लेंगे क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑयल हमारे ऊपर आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से। और इसको भी इसी तरह हम इसमें भी ऑयल डालते जाएंगे और मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर निकल के आया है हमारे कचौड़ी का और हमारी कचौड़ी। इनको आप तुरंत प्लेट में न निकालें, किसी जालीदार बर्तन में ही निकालें तो ये सौगी नहीं पड़ेंगी और लंबे समय तक आपकी जो कचौड़ियाँ हैं वो कुरकुरी रहेंगी। और ये देखिए मैंने सारी कचौड़ी अपनी बना के रेडी कर ली हूँ और ये देखिए फूली फूली कचौड़ी क्रिस्पी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में कचौड़ी एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।